Welcome students, this is a video for class 7. I am going to taught you chapter 2 and chapter 2 ka ye part number 5 hai. Ab tak maine aapko 4 part pe padha diya and the chapter 2 mein main aapko padha rahi thi the interior structure of the earth aur humne isme rocks ka formation padha jo 3 tarah ke rocks main already aapko padha chuki hu about the igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks and today rock cycle मैंने पढ़ाना है. This is the last part. Rock cycle में मैं आपको बताऊंगी कि rocks का formation जो है किस तरह से cyclic manner में होता है. तो start करती हूँ मैं. तो क्या होता है कि rocks जो है constantly, rocks का formation जो है वो constantly एक से दूसरे form में change होता है. तो रॉक्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, टूटते हैं और अगेन जो है वो रीन्यू होके दूसरे फॉर्म चेंज करके अपना कोई दूसरा रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे आपने वाटर साइकिल में देखा है ना, वाटर अपना फॉर्म चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके एक साइक्लिक मैनर में पूरा ये वाटर साइकिल कम्प्लीट होता है. वाटर वेपर से जो होता है वो वाटर में कन्वर्ट होता है. तो इस तरह से साइक्लिक मैनर में वाटर साइकिल, इसी तरह से रॉक साइकिल में भी रॉक्स जो है अपने एक फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है. मिलियंस ऑफ ईयर्स का ये प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स जो होते हैं अपने एक फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं. तीन तरह के जो रॉक्स पड़े, ये अपना तीनों रॉक्स जो होते हैं वो अपना एक अपने एक फॉर्म को चेंज करके दूसरे टाइप के रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एक साइक्लिक मैनर में, जिसको क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं. कॉपी में इसका डेफिनेशन है जो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए. व्हाट इज द रॉक साइकिल? द रॉक साइकिल, द रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली बींग रिसाइकल, वॉर्न डाउन एंड देन फॉर्म्ड अगेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रॉक साइकिल. कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होता है, वॉर्न टूट जाता है, फिर नया फॉर्मेशन होता है और ये पूरा जो है प्रोसेस साइक्लिक मैनर में होता है जिसको रॉक साइकिल कहते हैं. और इसको समझाने के लिए मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाऊंगी. आप ध्यान दो. देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा एक साइक्लिक मैनर है. ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये साइकिल फॉर्म में चलता है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. मैंने आपको बताया था कि आइग्नियस रॉक्स जो है वो प्राइमरी रॉक है, सबसे पहले इसी रॉक का फॉर्मेशन होता है जिसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं. बट मैं स्टार्ट करती हूँ मैग्मा से. मैग्मा क्या है? तो मैग्मा हमने मैंने पढ़ाया था इनसाइड द अर्थ जब रॉक्स और मिनरल्स जो होते हैं वो मेल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसको मैग्मा कहा जाता है. दिख रहा है ना ये आपको? तो ये मैग्मा है. जब मैग्मा एक्सप्लोर होता है वोल्केनो के थ्रू इरप्ट होता है तो बाहर आता है जिसको लावा बोलते हैं. वो लावा जब कूल डाउन यानी ठंडा हो जाता है तो कूलिंग के बाद किस में कन्वर्ट होता है? मैग्मा जो होता है आइग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठंडा होने के बाद आइग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होता है. अब क्या होता है? अब आइग्नियस रॉक्स में वेदरिंग होता है और इरोजन होता है. हवा, रेन के वाटर, रेन के थ्रू, वेव्स के थ्रू और क्या होता है, रिवर के थ्रू, विंड के थ्रू जो होता है इस आइग्नियस रॉक्स में वेदरिंग और इरोजन होता है जिसके थ्रू आइग्नियस रॉक्स सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्रेस होते हैं, दबते हैं. जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट को क्या करोगे, सीमेंट पहले एक धूल के जैसा होता है, डस्ट के जैसा होता है, लेकिन आप उसको बाहर हवा पानी में छोड़ दोगे तो कैसे जम जाता है, वो बिल्कुल हार्ड होकर रॉक में कन्वर्ट होता है. बिल्कुल वैसे ही सेडिमेंट्स जो होते हैं वो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो सेडिमेंट कॉम्पैक्टिंग एंड सीमेंटिंग के बाद बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, कंप्रेस होने के बाद बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक. अब सेडिमेंट्री रॉक फिर जमीन के अंदर इनसाइड द अर्थ हीट और प्रेशर, हीट और प्रेशर इस पर लगता है, किस पर? सेडिमेंट्री रॉक्स पर. तो ये बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक. मैंने कल आपको समझाया था सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर के कारण इनसाइड द अर्थ लॉन्ग प्रोसेस और लॉन्ग टाइम के बाद मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है. अब ये मेटामॉर्फिक रॉक और जमीन के अंदर कई सालों तक जब अंदर रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा अंदर, तो ये हीट और प्रेशर के कारण ये रॉक्स और मिनरल्स मेल्ट हो जाते हैं
और मेल्ट होके धरती के अंदर ही रहते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मैग्मा। तो ये एक साइकिल पूरा किया इसने। अगेन इसको और देखिए, मैग्मा था जिस आइग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुआ, और ये आइग्नियस रॉक भी जब बहुत सालों तक इनसाइड द अर्थ रहेगा तो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद बन जाएगा फिर से ये मैग्मा। एक तो हुआ इस पे वेदरिंग इरोजन हुआ, और दूसरा इसी आइग्नियस रॉक्स में जब धरती के अंदर रहेगा ये काफी समय तक तो मेल्ट हो जाएगा हीट और प्रेशर के कारण, तो मैग्मा बन जाएगा। इसी आइग्नियस रॉक्स को हीट और प्रेशर जब काफी लॉन्ग टाइम तक इनसाइड द अर्थ मिलेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होगा, उसी तरह आइग्नियस रॉक्स भी लॉन्ग टर्म तक इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट होगा तो हीट और प्रेशर के कारण चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। और मेटा और वेदरिंग और इरोजन हर रॉक में होगा, चाहे वो आइग्नियस रॉक में हो, सेडिमेंट्री रॉक में हो, या मेटामॉर्फिक रॉक में होगा। जब वो सरफेस के ऊपर रहेगा तो उस पर सरफेस के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, जो विंड और वाटर का फोर्स है, उसके थ्रू वेदरिंग सब में होगी, आइग्नियस रॉक्स में भी होगी क्योंकि वो सरफेस के ऊपर है, और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी होगी, और होगी साथ में मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो देखिए यहाँ ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी वेदरिंग एंड इरोजन हुआ, और वेदरिंग और इरोजन होने के बाद ये क्या बन गया, सेडिमेंट बन गया, और सेडिमेंट से फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना। उसी तरह से आइग्नियस रॉक भी है, आइग्नियस रॉक्स में भी क्या हो रहा है, वेदरिंग एंड इरोजन हो रहा है और सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी वेदरिंग एंड इरोजन होगा, और वेदरिंग एंड इरोजन होने के बाद सेडिमेंट में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट सेडिमेंट्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका क्या होगा, कॉम्पैक्टिंग होगा, और वो सेडिमेंट्स ट्री रॉक में कन्वर्ट होगा। तो ये वेदरिंग और इरोजन सभी रॉक्स में होगा, जिससे वो सेडिमेंट में कन्वर्ट होगा और सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, और सभी रॉक्स में हीट और प्रेशर लगने के कारण जो होगा वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा एक साइक्लिक मैनर है, मैग्मा, मैग्मा के बाद वो ठंडा हुआ, ठंडा हो जाने के बाद कूलिंग होकर आइग्नियस रॉक्स, आइग्नियस रॉक्स में वेदरिंग इरोजन हुआ, बन गया सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स से सेडिमेंट से बना सेडिमेंट्री रॉक्स, हीट और प्रेशर पड़ने पे बना मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स में वेदरिंग एंड इरोजन हुआ, बना सेडिमेंट, सेडिमेंट से बना सेडिमेंट्री रॉक्स। आइग्नियस रॉक्स भी हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स, और वेदरिंग एंड इरोजन के बना सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी वेदरिंग एंड इरोजन हुआ, बना सेडिमेंट, और सेडिमेंट्री रॉक्स बना इससे। तो ये पूरा साइक्लिक मैनर है जिसको कंप्लीट होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, दैट्स व्हाई इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन और ये साइक्लिक मैनर जो है एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।